नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल गुरुंगा में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी दोस्त होस्ट रुचि। तो फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं कि फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है, तो इसी फेस्टिव सीजन में होली का मुख्य जो मिठाई होती है वो मैं आपके साथ लेकर शेयर कर रही हूँ, पूंजी। मैंने यहाँ पर 4 कटोरी मैदा लिया है और उसका 1/4 यानी कि 1 कटोरी से थोड़ा कम घी लिया है। आप जितना भी मैदा लेंगे उससे लगभग 1/4 से थोड़ा सा कम हो तो अलग वो है, आपको उतना ही घी लेना है। आप इसे रिफाइंड में भी गूंद सकते हैं और देसी घी में भी गूंद सकते हैं। तो आप इसे रिफाइंड और देसी घी दोनों में गूंद सकते हैं। दोस्तों, आप इसे इस बहुत अच्छे से गूंथें ताकि जो ये हमारा मैदा और घी है ये सब मिल जाए, मैदे के हर कण में घी जाए, क्योंकि आप जितना अच्छे से मोन लगाएंगे उतनी हमारी गुंजिया खस्ता बनेगी। फ्रेंड्स, जब ये गूंथ जाए तो हम इसे मुट्ठी बना के देखेंगे। देखिए, हमारी मुट्ठी बिल्कुल बन गई है, तो यानी कि हमारा ये आटा में मोन बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसे पानी की सहायता से गूंथेंगे, लेकिन पानी हमें एकदम से नहीं डालना है, बहुत धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके डालना है। कि हमारा आटा गूंथ कर बिल्कुल तैयार हो गया है, इसमें आप पानी बिल्कुल धीरे धीरे डालेंगे। और हमें ये याद रखना है कि हमें पूरी से थोड़ा सा कैड़ा आटा गूंथना है और इसे हम कम से कम 20-25 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स, हम एक कढ़ाई या पैन लेंगे और उसमें 2 चम्मच हम घी डालेंगे। जब ये घी हमारा मेल्ट हो जाएगा तो मेरे यहाँ पर, अगर मेरा जैसे मैं 1/2 किलो मावा ले रही हूँ तो यहाँ पर मैं 1.5 कप सूजी ले रही हूँ। आप अपने मावे के अकॉर्डिंग सूजी की मात्रा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। जब हम सूजी मावे में मिलाते हैं और इसे हम हल्की आंच पर खुशबू आने तक और जब तक इसका कलर चेंज नहीं होता है तब तक भून लेंगे। दोस्तों, देखिए हमारी सूजी भून चुकी है, हमें सूजी में से खुशबू अच्छी आनी चाहिए और देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है। हमें तभी, हमने गैस बंद कर दिया और इसमें गैस बंद करके मैं इसे 5-7 सेकंड चला दूंगी ताकि ये अच्छे से भुन गई है। और हमें कच्ची सूजी अगर हम डालेंगे भुजिया में तो वो दांतों में चिपकेगी, और भुनी हुई सूजी डालेंगे तो उसका टेस्ट आप देखिएगा फ्रेंड्स, जो आपका मावा इधर उधर भागता है भुजिया में वो नहीं भागेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बादाम, काजू और चिरौंजी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ भी कम ज़्यादा कैसे भी ले सकते हैं और इसे बिल्कुल स्किप भी कर सकते हैं, पर इसे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसे भी हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे। ड्राई फ्रूट भूनने से क्या होता है कि हमारा टेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इसमें से एक अलग तरह की खुशबू भी आती है। गोला मैंने कस लिया है और इसे नारियल को कसे हुए को भून रही हूँ। इसे हमें बहुत कम देर भूनना है और इसको बिल्कुल हल्की आँच पर भूनना है क्योंकि ये बहुत जल्दी जल जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने मावा लिया है, ये मैंने 1/2 किलो मावा लिया है और इसे हम भून लेंगे जब तक इसमें खुशबू नहीं आती है। ये मैंने सब एक ही प्लेट में मिला लिया है। अब मैं इसमें छोटी इलायची जो मैंने कूट के रखी हुई थी वो मिला रही हूँ। ये ऑप्शनल है पर इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और फ्रेंड्स, ये है जायफल, मैं 1 जायफल इसमें घिस रही हूँ। फ्रेंड्स, इसमें मैं ज़रा सा काली मिर्च भी डाल रही हूँ, मेरे पास तो पीसी हुई है। यदि आपके यहाँ पीसी नहीं पी रही है तो आप 10 से 11 काली मिर्च मोटी दरदरी कूट के डाल लें। अब यहाँ पर 3 कटोरी बूरा लिया है, बूरा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। फ्रेंड्स, जो ये चीनी को आप पीस कर भी ले सकते हैं और बूरा भी ले सकते हैं। जैसे मेरा 1/2 किलो मावा है तो मैंने लगभग 225 ग्राम बूरा लिया है। आप इसे कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसमें मैं 2 चम्मच चीनी मिला रही हूँ, नॉर्मल चीनी, इससे भी इसका टेस्ट काफ़ी इनहेंस हो जाता है। देखिए, हमारा आटा भी हो गया है, मैंने इसे अच्छे से मसल लिया है। आटे को हमें ध्यान रखना है कि हमें ढक के रखना है। और ये देखिए, मेरा ये कसार भी तैयार है जिसे मैंने सबको अच्छी तरह से मिला लिया है। अब मैं आटे की एक बड़ी सी पेड़ी तोड़ूंगी। और तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसकी ऐसे लोई तोड़ के रख दूँगी। आटा मेरा पूरी से हल्का सा टाइट है, इस पर मुझे प्लॉथ लगाने की ज़रूरत नहीं होगी और इसकी मैं पेड़ी बना के रख दूँगी। तो फ्रेंड्स, इसे आप इक्वली बेल लेंगे। दोस्तों, ये मैंने बेल ली है और इस पर मैं 1 चम्मच की सहायता से ये जो हमने कसार बनाया है या मिक्सर बनाया है उसे रख दूँगी। इसे रखते हुए आपको ध्यान रखना है कि ये इस पर ना जाए जो ये हमारी है, वरना हमारी गुंजिया फट जाती है। इसे हम पानी की सहायता से एक बार पानी लगा लेंगे एक साइड और फिर इसे ऐसे कसकर दबा देंगे और जो भी हमारा एक्स्ट्रा आटा होगा उसे निकाल देंगे।
देखिए ये हमारी कुंचिया बन गई है। इसको आप अगर कहीं से आपको लूज़ लग रही है तो आप इसे हाथ से कर दीजिए, और इसे हम एक प्लेट में रखते जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है हमें इसे ढक कर रखना है, इसी तरह से हम सारी कुंजियाँ बना लेंगे। मैंने यहाँ पर रिफाइंड चढ़ा दिया है, आप चाहे तो देसी घी भी चढ़ा सकते हैं। अब मैं देखिए ये गुंजिया ले रही हूँ, और गुंजिया में एक ऐसे छेद कर देती हूँ, मतलब एक गुंजिया में 3 से 4 छेद कर देंगे, इससे इसके अंदर एक मतलब रशा सा आएगा। तो हम सारी गुंजिया इस तरह से करके रख देंगे, और हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा रिफाइंड है मतलब ये घी है या तेल है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो। तो फ्रेंड देखिए मैंने आटा डाला है, वो एक बुलबुले के साथ ऊपर आ रहा है। हमें ऐसी ही कढ़ाई चाहिए, इसे ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए, और हम लो टू मीडियम रखेंगे, लो और मीडियम के बीच में रखेंगे जो हमारी फ्लेम है। और फिर इसमें गुंजिया डाल देंगे। तो दोस्तों मैंने इसमें गुंजिया डाल दी है, जब ये थोड़ी सी सिक जाएगी तब हम इसे पलटेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारी हल्की हल्की नीचे से सिक गई है, तो हम इसे पलट देंगे। आपको कच्चे को नहीं छेड़ना है, जब ये सिक जाएगी तब हम इसे हल्के से धीरे से पलट देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारी गुंजिया तल चुकी है, आगे से भी और पीछे से भी। हमें इसको बहुत ज़्यादा लाल नहीं कर दिए, आपका ब्राउन रंग आएगा तभी आप इसे निकालेंगे। और यदि आपके बीच में कोई, इसे निकालने से पहले हम इसका घी बिल्कुल अच्छे से निकाल लेंगे इस तरह से करके। और यदि आपकी कोई गुंजिया बीच में फट जाती है तो उसे आप हटा दें और बहुत बाद में तलें, वरना वो सारी गुंजियों पर कलर चला जाएगा। फ्रेंड्स देखिए हमारी गुंजिया बिल्कुल तैयार है, और आप सुन सकते हैं ये कितनी क्रिस्पी है। देखिए ये कितनी क्रिस्पी है और बिल्कुल अंदर से भरी हुई है। तो मैं चाहूँगी आप इसे ज़रूर ट्राई करें और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करूँगा।